मुझे कोई नहीं रोकेगा। आज तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। गलती जिसने की है से तुम सजा दोगी। सुमन इंदौरी सीरियल के आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई इस बार देविका मैडम ने एक नई साजिश रची है हमारे तीर्थ और सुमन के खिलाफ। जी हाँ, आपको बता दूं कि कहानी में अब तक हमें देखने को मिला कि भाई किस तरीके से यहाँ पर ऋषि की हालत बेहद क्रिटिकल है और अभी भी कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उसका बचने का चांस जो है वो 20 और 70% में चेंज हो चुका है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर ऋषि की आखिरी ख्वाहिश तो यही है कि तीर्थ और सुमन की शादी हो जाए। अब यहाँ पर तीर्थ जो है ने ठान लिया है कि वो ऋषि की ख्वाहिश को पूरा करके रहेगा। पहले तो यहाँ पर सुमन जो है बहुत हिचकिचाती है ये शादी करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तीर्थ जिस तरीके से सुमन को समझाता है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सुमन को ये रियलाइज हो जाता है कि फिलहाल के लिए ऋषि की जान सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर कहानी में हमें देखने को मिलता है कि भाई हमारे तीर्थ और सुमन जो है साथ फेरे लेंगे, वो पूरी तरीके से शादी करने वाले हैं। जी आपको बता दूं कि इस बार तीर्थ और सुमन जो है साथ फेरे लेते हुए नजर आएंगे, साथ वचन निभाते हुए नजर आएंगे और इसी के साथ यहाँ पर तीर्थ सुमन के गले में मंगलसूत्र पहनाएगा, उसके मांग में सिंदूर भरेगा और फाइनली इस बार दोनों की शादी हो जाएगी। इसी के साथ आपको बता दूं कि ये शादी जो है वो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रही है, मीडिया वाले इस चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये खबर जैसे ही घर वालों को मिलती है और जैसे ही घर वाले टीवी पर ये न्यूज देखते हैं तो भाई सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगा कि सुमन और तीर्थ का गृह प्रवेश होने वाला है और इस बार भाई देविका का चाल चलन बिल्कुल बदला हुआ नजर आ रहा है क्योंकि इस बार देविका जो है अपने देवर यानी तीर्थ और सुमन का स्वागत एक डांस परफॉर्मेंस के साथ करते हुए नजर आ रही है। हमें तो ऐसा लग रहा था कि भाई वो तो घर में बिल्कुल तोड़फोड़ मचा देगी, सब कुछ बिल्कुल एकदम तबाह कर देगी, लेकिन यहाँ पर तो चीजें बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रही है। मुझे 100% श्योर है कि इसके पीछे कोई तो कोई साजिश जरूर छिपी है, लेकिन वो साजिश क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।